सो आज का फर्स्ट वर्ड है साबुन। साबुन जो देख रहे हैं आप, वैसे साबुन को कहा जाता है सोप। सोप मतलब साबुन। और साबुनदानी जो देख रहे हैं आप, जिसमें आप साबुन को रखते हो, इसी का आ जाता है सोप डिश। सोप डिश मतलब साबुनदानी। और अगला है टिकिया। टिकिया जो देख रहे हैं आप साबुन की, वैसे टिकिया को कहा जाता है बार। बार मतलब टिकिया। और ये जो देख रहे हैं आप, इसी का आ जाता है बाल्टी हिंदी में, वैसे इसी का आ जाता है बकेट। बकेट या फिर आप पेल भी बोल सकते हो, दोनों इसे बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, नहाने का मग्गा, इसी का आ जाता है बाथ मग। बाथ मग कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, जिसे आप कपड़े को धोते हो, मेरे यहाँ इसे सरफ बोला जाता है। आप जरूर लिख के बताइएगा आप क्या क्या बोला जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ड्री डिटर्जेंट, दोनों इसे बोला जाता है। और ये मशीन जो देख रहे हैं आप, इसी का आ जाता है कपड़े धोने की मशीन, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धोने की मशीन। और अगला है कपड़े सुखाने की मशीन, इसी का आ जाता है क्लोथ्स ड्रायर। क्लोथ्स ड्रायर मतलब कपड़े सुखाने की मशीन। और एक कपड़ों की टोकरी जो देख रहे हैं आप, जिसमें आप अपने कपड़ों को रखते हो, वैसे इसे कहा जाता है लॉन्ड्री बास्केट, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कपड़े सुखाने की डोरी, जिसे हम हिंदी में अलगनी कहते हैं, वैसे इसे कहा जाता है क्लोथ्स लाइन। क्लोथ्स लाइन मतलब अलगनी। और ये चिमटी जो देख रहे हैं आप, जो कि आप कपड़ों पर लगाते हो, वैसे इसे कहा जाता है क्लोथ्स पैग। क्लोथ्स पैग या फिर आप बोल सकते हो क्लोथ्स पिन, दोनों इसे बोला जाता है। और ये ब्रश जो देख रहे हैं आप, जिससे आप कपड़ों को धोते हो, वैसे इसी का आ जाता है स्क्रबिंग ब्रश। स्क्रबिंग ब्रश कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, जिसमें आप अपने हाथों को धोते हो, वैसे इसी का आ जाता है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नल जो देख रहे हैं आप, वैसे नल को कहा जाता है टैप या फिर आप बोल सकते हो फॉसेट, दोनों इसे बोला जाता है। और नहाने का टब जो देख रहे हैं आप, इसी का आ जाता है बाथटब। बाथटब कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इसी का आ जाता है हिंदी में नहाने का जोगा, वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में बाथरोब। बाथरोब मतलब नहाने का जोगा। और ये जो देख रहे हैं आप फुहारा, जिसके नीचे आप खड़े होकर नहाते हो, वैसे इसे कहा जाता है शावर। शावर मतलब फुहारा। और ये टोपी जो देख रहे हैं आप, वैसे इसे कहा जाता है शावर कैप। शावर कैप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पर्दा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है शावर कर्टेन। शावर कर्टेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और अगला है शीशा। शीशा इसे हम दर्पण भी बोलते हैं हिंदी में, वैसे इसे कहा जाता है मेरा। मेरा मतलब शीशा। और ये पोछा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है मॉप। मॉप मतलब पोछा। और ये जो देख रहे हैं आप, जिससे आप अपने बालों को धोते हो, वैसे इसे कहा जाता है शैम्पू। शैम्पू कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है दंत मंजन। दंत मंजन जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का पेस्ट की फॉर्म में होता है दंत मंजन, वैसे इसे कहा जाता है टूथ पेस्ट। टूथ पेस्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये भी एक तरीके का दंत मंजन है और ये एक पाउडर की फॉर्म में, वैसे इसे कहा जाता है टूथ पाउडर। टूथ पाउडर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये दांत को साफ करने वाला ब्रश जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टूथ ब्रश। टूथ ब्रश कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इसमें आप अपने ब्रश को रखते हो, वैसे इसे कहा जाता है टूथ ब्रश होल्डर। टूथ ब्रश होल्डर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का धागा है जो दांतों को साफ करता है, वैसे इसे कहा जाता है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे आप अपनी जीभ को साफ करते हो, वैसे इसे कहा जाता है टंग क्लीनर। टंग क्लीनर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कंघा। कंघा जो देख रहे हैं आप, वैसे कंघा को कहा जाता है कोम।
कोम मतलब कंघा। और ये बालों को सुखाने की मशीन जो देख रहे हैं आप, जब आप बालों को धोते हो तब इससे सुखाते हो, वैसे इसे कहा जाता है हेयर ड्रायर, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है उस्तरा। उस्तरा जो देख रहे हैं आप, जिससे दाढ़ी को बनाया जाता है, वैसे इसे कहा जाता है रेजर, रेजर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको उस्तरी में लगाया जाता है, वैसे इसे कहा जाता है ब्लेड, ब्लेड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, जिससे आप अपने हाथ को धोते हो, वैसे इसे कहा जाता है हैंड वॉश, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे आप अपने चेहरे को धोते हो, वैसे इसे कहा जाता है फेस वॉश, फेस वॉश कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे आप अपने मुंह को साफ रखते हो, ये एक तरीके का लिक्विड है जो आपके मुंह को स्वस्थ रखता है, वैसे इसे कहा जाता है माउथ वॉश, माउथ वॉश कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे आप अपनी बॉडी को धोते हो नहाते टाइम, वैसे इसे कहा जाता है बॉडी वॉश, बॉडी वॉश कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है नाखून काटने वाला। ये जो देख रहे हैं आप, इससे आप अपने नाखूनों को काटते हो, वैसे इसे कहा जाता है नेल क्लिपर, नेल क्लिपर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कपास की कली। इससे आप अपने कान की डर्ट को साफ करते हो, वैसे इसे कहा जाता है कॉटन बर्ड, कॉटन बर्ड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये चिमटी जो देख रहे हैं आप, जिससे आप अपने बॉय के बालों को बनाते हो, वैसे इसे कहा जाता है ट्वीजर्स, ट्वीजर्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है नाली। नाली जो देख रहे हैं आप, वैसे नाली को कहा जाता है ड्रेन, ड्रेन मतलब नाली। और अगला है पानी का पाइप। पानी का पाइप जो देख रहे हैं आप, इसे मेरे यहाँ लेजम कहा जाता है, आप जरूर बताएगा आप क्या क्या बोला जाता है, वैसे इसे कहा जाता है होज, होज मतलब पानी का पाइप। और नेक्स्ट है टोटी। टोटी जो देख रहे हैं आप, इसको कनेक्ट किया जाता है आपके पानी के पाइप से, वैसे इसे कहा जाता है नोजल, नोजल मतलब टोटी। और नेक्स्ट है जावा। जावा या जामक कहा जाता है इसे हिंदी में। और इस पत्थर से आप अपनी त्वचा को रगड़ते हो, वैसे इसे कहा जाता है पमिस, पमिस मतलब जावा या जामक। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का बाथ स्पंज है, जिसको आप यूज करते हो नहाने के दौरान, और इससे आप अपनी बॉडी को रब करते हो, वैसे इसे कहा जाता है लूफा, लूफा कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है तौलिया। तौलिया जो देख रहे हैं आप, वैसे तौलिया को कहा जाता है टाउल, टाउल मतलब तौलिया। और ये हाथ पोंछने की तौलिया जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हैंड टाउल, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये चेहरा पोंछने की तौलिया जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है फेस टाउल। और ये स्नान तौलिया जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है बाथ टाउल, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का छोटा बाथ टब होता है, जिसमें आप अपने लोअर पार्ट को ही धो सकते हो बॉडी के, वैसे इसे कहा जाता है बीडे, बीडे कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, जिसपे तौलिया को टांगा जाता है, इसे कहा जाता है टॉवल रैक, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये खुटी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हुक, हुक कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, पानी को गर्म करने वाली मशीन, इसे पानी के अंदर डुबोया जाता है, जिससे पानी गर्म होता है, वैसे इसे कहा जाता है इमर्शन हीटर, या फिर आप बोल सकते हो इमर्शन रॉड, दोनों इसे बोला जाता है। और ये भी एक तरीके का पानी गर्म करने की मशीन है, वैसे इसे कहा जाता है गीजर, गीजर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और अगला है शौचालय। शौचालय जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टॉयलेट, टॉयलेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और इंडिया में इसे वेस्टर्न टॉयलेट भी कहा जाता है। और ये टंकी जो देख रहे हैं आप टॉयलेट में, इसे कहा जाता है सिस्टर्न, सिस्टर्न या फिर आप टैंक भी बोल सकते हो। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है फ्लश। और ये ढक्कन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टॉयलेट लिड। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टॉयलेट सीट। और ये पार्ट जो देख रहे हैं आप टॉयलेट में, इसे कहा जाता है टॉयलेट बोल, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये शौचालय जो देख रहे हैं आप,
ये भी एक तरीके की शौचालय है। वैसे इसे कहा जाता है स्क्वाट टॉयलेट। स्क्वाट टॉयलेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये ब्रश जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टॉयलेट ब्रश। और ये लिक्विड जो देख रहे हैं आप, इसे डालकर टॉयलेट को साफ किया जाता है, वैसे इसे कहा जाता है टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कागज जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है मज्जक। ये जो देख रहे हैं आप, इसे मज्जक कहा जाता है, वैसे इसे कहा जाता है प्लंजर। प्लंजर मतलब मज्जक। और ये थैली जो देख रहे हैं आप, जिसे आप अपने कूड़ेदान में लगाते हो, वैसे इसे कहा जाता है ट्रैश बैग। ट्रैश बैग या फिर आप बोल सकते हो बिन बैग, दोनों इसे बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज कचड़े का डिब्बा। इसे कहा जाता है इंग्लिश में डस्टबिन। डस्टबिन या फिर आप बोल सकते हो ट्रैश कैन, दोनों इसे बोला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज है, कॉमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे बाथरूम आइटम के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप